जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो मेरे ख्याल से किसी को नहीं पता है पैरामिलिट्री फोर्स के बारे में, केवल फोर्स के बंदों को छोड़ के। कुछ ऐसी मतलब शानदार बातें हैं जिनका आपको पता नहीं है, या मतलब प्रॉफिट है जिनका आपको पता नहीं है, कि इस जो कुछ खास बातें हैं जो आपको शायद नहीं पता। तो इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ, आप वीडियो को देखिए। गारंटी है मेरी कि 80% नहीं 90% लोगों को ये बातें नहीं पता है कि क्या ऐसा भी होता है। हर एक बात आपको लगेगी क्या ऐसा भी होता है या हो रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक नहीं किए हो तो 100% चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जानकारी मिलती है डिफेंस के बारे में या अर्धसैनिक बलों के बारे में जो आपको नहीं है अभी तक। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। नंबर एक, 90% लोगों का कहना है कि पैरामिलिट्री फोर्स में पेंशन सुविधा नहीं है। आप ये पोल क्रिएट कर लेना, 90% लोग ये कहेंगे पैरामिलिट्री फोर्स में पेंशन सुविधा नहीं है, जबकि ये गलत है। आज भी सभी पैरामिलिट्री फोर्स में पेंशन की सुविधा है, लेकिन उसमें बदलाव ये है कि पहले ओल्ड पेंशन स्कीम थी, अब NPS है, यानी न्यू पेंशन जो सिस्टम है। ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसके कुछ प्रॉफिट अलग है, इसके प्रॉफिट अलग है, लेकिन ओवरऑल ये ऐसा माना जाता है कि जो ओल्ड पेंशन थी वो बहुत अच्छी पेंशन थी, अभी वाली पेंशन में कम प्रॉफिट है, लेकिन पेंशन सुविधा है। ये 90% लोगों का यह मानना है कि पेंशन सुविधा नहीं है। तो दोस्तों, पहली बात ही। दूसरी बात की अगर हम बात करें कि सभी पैरामिलिट्री फोर्स में अगर आप 4 साल तक कोई भी वारंट नहीं लेते हो, तो उसके बाद में पूरे देश में कहीं पे भी अगर पूरी फैमिली को आप भ्रमण कराना चाहो तो उसका पूरा खर्चा गवर्नमेंट वहन करेगी, यानी आपका डिपार्टमेंट वहन करेगा। उसके लिए आपको सिर्फ वहाँ के टिकट लगाने, चाहे आप पूरे इंडिया में कहीं पर भी अपने परिवार को घुमाओ, उसका पूरा का पूरा जो खर्चा होगा वो आपका डिपार्टमेंट पे करेगा। नहीं पता थी ना ये बात आपको। तीसरी बात दोस्तों, सभी को ऐसा लगता है कि सभी पैरामिलिट्री फोर्स में 90 डेज की लीव है, लेकिन ये वास्तविकता नहीं। 100% लोगों से पूछोगे तो बोलेंगे 3 महीने की छुट्टी मिलती है, ये वास्तविकता नहीं है। पहली बात कि सभी फोर्सेज में, जैसे CISF में 45 दिन की लीव है, CRPF में 75 दिन लीव है, BSF में 75 दिन है, असम राइफल में 75 दिन है, SSB में 75 दिन, लेकिन कई बार ये लीव आपकी ज़्यादा भी पड़ जाती है, क्योंकि लीव के बहुत सारे प्रकार हैं। छुट्टियों के और भी कई प्रकार होते हैं, जैसे विदाउट पे, हाफ पे और बिना रिस्क अलाउंस, या LKD यानी लीव फॉर काइंडली, यानी दयालुता के आधार पे भी आप लीव पे रह सकते हो, मेडिकल लीव, यानी बहुत प्रकार की लीव है जिसमें आप केवल 3 महीने नहीं, साल में 3 महीने से ज़्यादा समय भी घर रह सकते हो। ठीक है, आप विदाउट पे होके 6 महीना या किसी एग्जाम की तैयारी करनी है तो उसके लिए भी आप रह सकते हो। इस प्रकार से मैंडेट पे डिपेंड करता है कि वो LKD आपको देते हैं या विदाउट पे करते हैं, या अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी के लिए उनसे रिक्वेस्ट करते हो तो हाफ पे करते हैं, या कुछ यानी बिना पे लिए आप 6 महीने या 7 महीने इस प्रकार छुट्टी चले जाते हो, वापस मेडिकल करके वापस डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। इसके अलावा अब जो चौथी बात है, तो दोस्तों नंबर चार बात है, 99% लोग ये बोलते होंगे कि सैलरी साल में एक बार बढ़ती है, यानी सभी पैरामिलिट्री फोर्स में कि साल में एक ही बार सैलरी बढ़ती है। तो दोस्तों मैं बता दूं, ऐसा नहीं, एक साल में 3 बार सैलरी बढ़ती है, 2 बार DA और 1 बार इंक्रीमेंट, यानी एक साल में हर एक जवान की 3 बार सैलरी बढ़ती है, यानी जनवरी, जुलाई और 1 बार जुलाई में साथ में इंक्रीमेंट लगता है वो, यानी एक साल में आपकी 3 बार सैलरी प्लस होती। तो ये भी आप लोगों को बातें नहीं पता होगी दोस्तों। अब आते हैं नंबर पाँच पर। तो दोस्तों नंबर पाँच पर है, इसमें हम दो चीज़ काउंट करेंगे, एक तो परिवार की मेडिकल सुविधा, यानी कईयों को लगता है जैसे आर्मी के मेडिकल हॉस्पिटल है, लेकिन जैसे पैरामिलिट्री फोर्स के मेडिकल हॉस्पिटल नहीं है। तो मैं बता दूं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी मेडिकल हॉस्पिटल होते हैं, लेकिन वो बात ऐसी होती है कि आर्मी के सिक्योर हॉस्पिटल होते हैं, इनके सिक्योर नहीं होते, सार्वजनिक हॉस्पिटल होते हैं। जैसे डिपार्टमेंटली हॉस्पिटल तो होते ही हैं, लेकिन बड़े ऑपरेशनों के लिए जैसे दिल्ली एम्स है, या जो हर एक सिटी का जो बड़ा हॉस्पिटल रहेगा उसका इनमें से कनेक्शन दिया रहता है, तो वहाँ पर आप अपने माता पिता या सभी की जो मेडिकल सुविधा है वो वहाँ पर करवा सकते हो बिल्कुल फ्री, यानी इन क्रेडिट, यानी उसमें आपको एक भी पैसा नहीं देना, आपका डिपार्टमेंट पूरा का पूरा पैसा देता है दोस्तों। उसमें केवल आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है, पूरा पैसा आपका डिपार्टमेंट फिल करता है। तो ये मेडिकल सुविधाएं भी होती है, वो शानदार शानदार हॉस्पिटलों की मेडिकल सुविधा, ये भी लोगों को बातें नहीं पता है। नंबर अगर 6 पर हम बात करें, तो नंबर 6 पर आता है बच्चों की एजुकेशन, यानी आप सभी को कईयों को नहीं पता होगी, बच्चों के एजुकेशन के लिए सालाना एक बच्चे की फ़ीस, अगर वो हॉस्टल में रहता तो 54-55 हज़ार के समथिंग अभी प्रेजेंट टाइम में एक बच्चे की फ़ीस देते हैं। 2 बच्चों के लिए 1,10,000 से लेकर 1,44,000 तक आपका डिपार्टमेंट था। साथ ही अगर आपका बच्चा डॉक्टरी करता है, इंजीनियरिंग करता है, तो उसमें विशेष छूटें दी जाती है अर्धसैनिक बल को। जैसे अभी दिल्ली एम्स में विशेष पैरामिलिट्री फोर्स को 32 सीटें दी गई थी, तो इस प्रकार से अगर आपका बच्चा कुछ डॉक्टरी वॉक्टरी करना चाहे बिल्कुल अलग से सीटों पे, तो वो भी कर सकता है दोस्तों। ये बात भी आपको नहीं पता होगी। अब आते हैं नंबर 7 पर। दोस्तों आप सभी को नहीं पता है कि जवान जरूर नहीं कि साल में
केवल 75 दिन छुट्टी। अगर आपके नज़दीकी कोई बटालियन है जहाँ पर आप ड्यूटी कर रहे हो, तो वहाँ पर मतलब आप हर संडे को स्टेशन लीव जिसको बोलते हैं, यानी शनिवार को जाके संडे को घर रह के फिर वापस मंडे को रिपोर्ट कर सकते हो। तो मतलब सिविल जॉब की तरह आप भी हर संडे को घर जा सकते हो। कब? जब आपकी बटालियन यानी जहाँ आपका घर है वहीं आसपास में हो, तो आपको ये सुविधा भी मिल जाती है। यानी साल में आपको 90 दिन क्या 110 क्या 120 दिन से भी ज़्यादा छुट्टी मिल जाती है, वो भी मतलब आप हर संडे को घर जाने का आपको मौका मिल जाता है। अब है नंबर 8 पर। दोस्तों कईयों को ये नहीं पता होगा कि कुछ कमांडो फोर्सेस स्पेशल फोर्सेस है जहाँ पर आप ट्रेनिंग कम्प्लीट करते ही कमांडो बन सकते हो, जैसे CRPF के कोबरा, जिसमें आप ट्रेनिंग कम्प्लीट करते ही जा सकते हो। RF यानी CRPF की जो RF है उसमें भी आप ट्रेनिंग कम्प्लीट करके एक साल के अंदर अंदर जा सकते हो, और अपना जो बेसिक पे है मतलब। तो दोस्तों नंबर 8 पर आते हैं कि कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि आप ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं कुछ विशेष कमांडो फोर्सेस है जिनमें जा सकते हो, जैसे कोबरा कमांडो बन सकते हो, BSF में क्रोकोडाइल कमांडो बन सकते हो, या CISF में आप VIP कमांडो बन सकते हो, SSF जो स्पेशल सिक्योरिटी कोर्स करके वो बन सकते हो, साथ में CRPF में VIP बटालियन में आप जा सकते हो, वहाँ पर VIP जो ड्यूटीज होती है VIP गार्ड ड्यूटीज होती है वो कर सकते हो। तो ये सिर्फ आप ट्रेनिंग कंप्लीट करने के जस्ट बाद ही आप इनको ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों, यानी आपके डिपार्टमेंट से हटकर आते हैं। नंबर 9 पे मैं जो बताने वाला हूँ, जैसे आप सभी को नहीं पता पैरामिलिट्री फोर्सेस में आर्मड फोर्सेस में भी आप स्वैच्छिक पोस्टिंग करा सकते हो, यानी अपनी इच्छा से अपनी पोस्टिंग करा सकते हो। दोस्तों अपनी इच्छा से पोस्टिंग कराने के लिए उसका कुछ क्राइटेरिया होता है, दो कंडीशन होती है, एक तो अगर आपके मतलब परिवार में कोई मेडिकली अनफिट है जैसे माता पिता, तो उस कंडीशन में आप करा सकते हो। दूसरा, आप किसी हार्ड एरिया में 5 साल या 5 साल से अधिक काम करने के बाद में अपनी स्वेच्छा से जहाँ पर आपकी जैसे फोर्स नज़दीकी बटालियन है वहाँ पर आप अपना ट्रांसफ़र करा सकते हो दोस्तों। तो ऐसी सुविधा भी पैरामिलिट्री फोर्स में मिलती है दोस्तों। अब लास्ट एंड फाइनल बचिए दोस्तों नंबर 10। तो नंबर 10 में मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पैरामिलिट्री फोर्स ऐसी है, इसमें आप सभी को ये बात पता हो सकती है कि मतलब डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम देके कांस्टेबल के रूप में आप भर्ती होकर असिस्टेंट कमांडेंट तक बन सकते हो दोस्तों। तो ये कुछ 10 बातें थी, कुछ खास बातें, इनमें से कुछ बातें आपको 99% नहीं पता होगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। के मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचू गाँव में, आज़ादी की स्वर्ण जयंती वाले गीत सुनाऊं मैं, लेकिन सलगम वाला वातावरण कहाँ से लाऊं मैं, मेघमलारों वाला अंतःकरण कहाँ से लाऊं मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूँ, आज़ादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूँ, इसीलिए मैं अभिनंदन के गीत नहीं गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ।